नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की तैयारी के लिए सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस के अंतर्गत डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसको शॉर्ट में हम डीएमए के नाम से भी जानते हैं। वैसे आपको बता दूं कि मैंने जब सी लैंग्वेज आपको कंप्लीट पढ़ी थी, वहां पर भी मैंने आपको डीएमए समझाया था, और यहाँ पर भी हम जो है डीएमए को समझने वाले हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप सभी मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आपको अभी जस्ट जो है थंबनेल में भी देखने को मिला होगा, और आपको अभी मैंने बता भी दिया है कि आज की हमारी जो क्लास है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से संबंधित। देखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है सी प्लस प्लस के बहुत ही सी प्लस प्लस के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जब वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है तब वेरिएबल डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी को एलोकेट करता है। भाई ये मेमोरी होती है, अब जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं मान लो इंटीजर ए, तो उस डेटा टाइप के हिसाब से यहाँ पर जो है मेमोरी एलोकेट हो जाती है किसके लिए, ए के लिए। अगर यूजर ने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है तो 16 बिट अगर वो यूज कर रहा है तो उसके लिए वो 2 बाइट मेमोरी में एलोकेट होगा, अगर 32 बिट यूज कर रहा है तो वहां पर यहां पर 4 बाइट यूज होगा, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार से जो है आपके प्रोसेसर के बेस पर जो है आपको वहां पर बाइट्स जो है वो आपको एलोकेट किए जाते हैं मेमोरी के अंदर का। मेमोरी एलोकेट करने के लिए दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार के। एक होता है आपके कंपाइल टाइम या स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा होता है आपके रन टाइम या स्टेटिक मेमोरी एलोकेशन। कंपाइल टाइम मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसी टाइम उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। एक तो होता है वो कंपाइल टाइम, और एक होता है आपके रन टाइम या डायनेमिक। इन दोनों का सेम ही काम होता है। इनका मतलब होता है कि जब आप रन कर रहे हैं प्रोग्राम को तो रन टाइम पे आप जो है अपने अनुसार उसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ये दो प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हम कंपाइल टाइम या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की। तो देखो, जब वेरिएबल को बनाया जाता है तब कंपाइलर के जरिए कंपाइलर टाइम पर ही मेमोरी को एलोकेट कर दी जाती है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, जब प्रोग्राम को लिखा जाता है और जब कंपाइल किया जाता है उसी टाइम उसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। तो वो होता है आपके कंपाइल टाइम में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जब वेरिएबल बनता है तो वो किस डेटा टाइप का है तो कंपाइलर इसके हिसाब से खुद ही मेमोरी को एलोकेट कर देता है। जस्ट अब आपको बताया था कि इंटीजर के अंदर आपका अगर कंप्यूटर के अंदर 16 बिट का प्रोसेस है तो वहां पर आपको 2 बिट का, नहीं तो 32 बिट है तो वहां पर आपको 4 बिट का जो है मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है। वेरिएबल का डिक्लेरेशन कंपाइल टाइम पर होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं 32 बिट इंटीजर के लिए कितना 4 बाइट आपको दिया जाएगा, कैरेक्टर के लिए कितना 1 बिट, और यहां पर 1 बाइट, और यहां पर फ्लोट होता है तो वहां पर आपको 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। जब एरे को कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट करें तो मेमोरी का ये स्पेस कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, जिसका मान कभी चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है ना, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो आपके कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे मैंने दे दिया इंटीजर एरे, तो यहां पर मैंने मान दे दिया यहां पर 10, तो ये यहां पर कांस्टेंट के टाइप में हो गया, मतलब यहां पर इसका जो साइज है वो फिक्स हो चुका है। जब ऐसा एरे बनता है तो इसमें 10 ही इंटीजर की वैल्यू डिक्लेयर की जा सकती है, और वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट इसको कर देता है, ठीक है। यहां पर आपने जो है साइज फिक्स कर दी भाई, तो अब इससे ना तो कम या ना ज्यादा, तो फिक्स हो चुका है यहां पर। अब बात आती है आपके रन टाइम की। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट की जाती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जब प्रोग्राम रन होता है तब मेमोरी एलोकेट की जाती है। यहां पर जरूरत के हिसाब से वेरिएबल को बनाया जा सकता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है, सिर्फ कंपाइल टाइम पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है ना। वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया जाता है कंपाइल टाइम पे, उस टाइम उसको जो है जगह नहीं दी जाती है। सी प्रोग्रामिंग में जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज के अंतर्गत। वैसे ही सी प्लस प्लस में ऐसे ऑपरेटर है जिनका इस्तेमाल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से है भाई, देखो सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से थे भाई, आपके मैलॉक, कैलॉक यानी मेमोरी एलोकेट, मैलॉक यानी मेमोरी एलोकेट, कैलॉक यानी मेमोरी, मैलॉक मींस मेमोरी एलोकेस, और यहां पर जो आपका कैलॉक रियलॉक है तो कैलॉक के अंदर आपके होता है कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। यहां पर ये जो कैलॉक होता है वो मैलॉक की तरह ही होता है, लेकिन ये क्या होता है आपके कॉन्टिग्यूस एलोकेशन होता है, एलोकेशन होता है। उसके बाद आपके री एलोक होता है, ठीक है ना, री एलोकेशन, और भी री एलोकेशन मतलब जब वापस आपको आपने पहले कोई मेमोरी दे दी उसको वापस आपको री एलोकेट करना, तो यहाँ पर ये, और फ्री मतलब जो मेमोरी आपने ली है तो उसको वापस फ्री करने के लिए फ्री का यूज होता है। इसी प्रकार से सी प्लस प्लस में इन दो ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, एक होता है आपके न्यू ऑपरेटर का, एक
होता है आपके डिलीट ऑपरेटर का, मेमोरी को एलोकेशन के करने के लिए न्यू और डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखो न्यू ऑपरेटर क्या कॉन्सेप्ट बोलता है, तो न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पर होता है, इसमें ध्यान रखना। सिंटैक्स इसका क्या है, यहां पर न्यू ऑपरेटर के साथ कौन से भी डेटा टाइप की और एरे के साथ डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, कोई भी डेटा टाइप की जो है मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, या मेमोरी एलोकेट करने के क्लास को भी लिया जा सकता है। यहां पर आपको जो है क्लास भी ले सकते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे न्यू और उसके बाद लिखेंगे डेटा टाइप, और यहां पर एक आप लिख सकते हैं न्यू डेटा टाइप और यहां पर आपका एरे का साइज, अगर आपको एरे के साथ यूज लेना तो ये, नहीं तो आप ये यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर लिख सकता हूं न्यू और इंटीजर डेटा टाइप के लिए मैं यहां पर ले सकता हूं, या मैं अगर एरे के लिए लेना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा न्यू इंटीजर और उसमें एरे का साइज। जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है तो पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब न्यू मेमोरी एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तब उसका एड्रेस न्यू ऑपरेटर से दिए हुए पॉइंटर में स्टोर हो जाता है। पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, कोई भी एड्रेस होता है उसका, उसको आपको क्या करना, वेरिएबल का जो एड्रेस होता है उसको आपको क्या करना है, होल्ड करना है। तो सिंटैक्स फॉर न्यू ऑपरेटर विद पॉइंटर, तो पॉइंटर के साथ किस प्रकार होगा, यहां पर आपका पॉइंटर है उसके अंदर आपका जो न्यू आपका जो एलोकेट कर रहे हो उसके बाद उसका डेटा टाइप और इसको यहां पर असाइन करना है आपको पॉइंटर में। तो पॉइंटर बराबर न्यू डेटा टाइप और एरे के साथ अगर आपको यूज करना, तो देखो ये दोनों अलग अलग प्रकार है भाई, अगर एरे के साथ यूज करना तो ये, विदाउट एरे है तो यहां पर आप ये वाला यूज करोगे, ठीक है ना। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के एग्जांपल में देखा जाए तो यहां न्यू के साथ इंटीजर का एड्रेस स्टोर करने के लिए इंटीजर स्टार पीटीआर, यानी ये एक पॉइंटर है भाई, यहां पर ध्यान रखना पॉइंटर डेटा टाइप के लिए यहां पर यूज में लिया जा रहा है। पॉइंटर में न्यू से इंटीजर का एड्रेस रिटर्न होकर पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, जैसे हमने पॉइंटर में टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। यहां पर देख लीजिए मैंने यहां पर इंटीजर बनाया पॉइंटर प्रकार का, पॉइंटर में मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक न्यू इंटीजर का जो एड्रेस है वो यहां पर मैं इसमें स्टोर कर रहा हूं, इंटीजर का जो वैल्यू को वो यहां पर स्टोर कर रहा हूं। अब यहां पर देखो पॉइंटर के अंदर मैंने न्यू इंटीजर लिया और ये मतलब ये तो आपके विदाउट इंटीजर एरे और ये आपका एरे के साथ, ठीक है। यहां पर ये आप कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको जो है एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टर्बो सी के स्क्रीन के ऊपर, यहां पर ये पूरा प्रोग्राम आपको वहां पर मैं समझाता हूं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम टर्बो सी की स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए आपके सामने मेरा टर्बो सी प्लस प्लस का जो स्क्रीन आ चुका है, यहां पर हम जो है यहां पर अपना प्रोग्राम जो है समझने वाले हैं। तो देखो पब्लिक टाइप का यहां पर देखो एक क्लास बनाया है मैंने ए, जिसमें मैंने पब्लिक का ए का जो है यहाँ पर फंक्शन लिया है, इसमें पब्लिक टाइप का, ठीक है। प्राइवेट का भी कुछ भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें मैं ए को जो अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पर, मतलब ए जो फंक्शन है इसके अंतर्गत मैंने कॉन्स्ट्रक्टर को रन किया है, और यहाँ पर डे स्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर यूज लिया है, यहाँ पर डे स्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर मैंने जो है ये वाला ए बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये रन होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ए और यहाँ पर ये ए बना है पॉइंटर प्रकार का, जिसमें न्यू के ए का एड्रेस स्टोर है, किसके, न्यू का ए का एड्रेस स्टोर है इसमें, ठीक है ना। ये चीज आपको इसके अंदर का ध्यान रखनी है। तो अब देखिए अगर मैं यहां पर इसको डिलीट भी कर देता हूं बाद में, ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट इसका बाद में डिलीट का, लेकिन मैं यहां पर आपको एक बार यहां पर इसका यूज करके भी दिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको कंट्रोल प्लस F9 से रन करता हूं, तो सिंपली देखो ये इसको 3 टाइम यहां पर जो है आपके सामने रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। मैं एक बार इसको CLR SCR यूज कर लेता हूं इंटीजर मेन के अंदर, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 3 बार कॉन्स्ट्रक्टर को और 3 बार डेस्ट्रक्टर को इसने प्रिंट किया, जो कि आपने यहाँ पर जो है इसमें एरे का जो साइज था वो यहाँ पर पास किया था 3, तो यहाँ पर इसलिए 3 टाइम इसको आपके सामने शो कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भाई, मेमोरी को जब आपको एलोकेट करना है तब आप क्या करोगे, यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पर आप DMA का यूज लेने वाले हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, और यहाँ पर देखते हैं ये तो कॉन्सेप्ट अभी हमने जस्ट समझा इसको, ठीक है। और आगे वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो था डिलीट, जो कि नीचे लिखा हुआ था आपको पता हो तो यहाँ पर प्रोग्राम में हमारे, तो यहाँ पर अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या काम आता है, ठीक है। तो देखो डिलीट क्या करता है, डिलीट ऑपरेटर ये एलोकेट डायनेमिक मेमोरी के एलोकेशन को डी एलोकेट करता है, जिस प्रकार वहां पर री एलोकेट था यहाँ पर ये डी एलोकेट कर देता है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब एलोकेट जो है उसको फ्री कर देता है ये। जब न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेट करता है तब डिलीट ऑपरेटर से एलोकेट की हुई मेमोरी को डी एलोकेट कर दिया जाता है या उसको फ्री कर दिया जाता है। सी लैंग्वेज में फ्री कॉन्सेप्ट था और यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट किस में बदल गए हैं भाई, डी एलोकेट में बदल चुका है डिलीट ऑपरेटर की मदद से। जब प्रोग्राम में न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है तब डिलीट ऑपरेटर का प्रयोग भी किया जाता है, डिलीट ऑपरेटर होगा उसका भी प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे आप सिंटैक्स इसका दे सकते हो, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा था डिलीट और उसके बाद इस पॉइंटर का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप डिलीट और पॉइंटर नेम लिख सकते हो, अगर आपका एरे है तो एरे के लिए आप यहाँ पर ये लिख सकते हो डिलीट और पॉइंटर का नेम। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने यहाँ पर ये एरे लिया था 3, इसको वापस मैंने कॉल करके यहाँ पर जो है क्लियर किया था वापस,
ठीक है ना, डिलीट, और यहां पर ये एरे के साथ मैंने इसको क्लियर करना समझाया था जो कि अभी आपके प्रोग्राम में था। मतलब तीन बार आपका कॉन्स्ट्रक्ट रन हुआ, उसको फिर वापस डीएलोकेट कर दिया, फिर वापस ये डेस्ट्रक्टर वाला, तो डेस्ट्रक्टर को भी यूज करके थ्री के बाद इसको वापस डीएलोकेट कर दिया डिलीट ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, ये देखो डिलीट ऑपरेटर है यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई इसके अंतर्गत, जिससे आप इसको समझ सकते हो। वापस भी देखो ये डिलीट पॉइंटर को भी आप इस प्रकार यूज कर सकते हो, अगर आपका कोई पॉइंटर है, अगर आपने पॉइंटर बनाया विदाउट एरे वाला तो उसको भी यूज, मतलब उसको फ्री करने के लिए यहाँ पर आप एरे नहीं लिख के क्या करोगे, डायरेक्टली पॉइंटर को लिख दोगे, तो ये यहाँ पर उसको भी फ्री करके आपको जो है रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं भाई एलोकेशन और डीएलोकेशन से। इसको आप इस प्रोग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हो प्रोग्राम के साथ। ठीक है ना, जितने एलिमेंट आपने स्टोर करवाए हैं तो उन स्टोर एलिमेंट्स को स्टोर कर दो, और उनका जो भी रेस्पॉन्स है वो देने के बाद आप उसको वापस क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। देखो मैंने पॉइंटर प्रकार कह रहे बनाए, तो इसको भी मैं इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड जब करेंगे तो आप इसको, मतलब ये मैंने आपके लिए इसमें ऐड किया ताकि आप इसको क्लियर कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास विद कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर और एरे के साथ किस प्रकार यूज में ली जाती है। तो देखो मैंने क्लास बनी ए, उसमें पब्लिक टाइप का ए फंक्शन है जिसमें मैं यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्टर को प्रिंट कर रहा हूं। फिर डिस्ट्रक्टर है, उसके अंदर भी मैं डिस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कर रहा हूं। अब मेन फंक्शन के अंदर वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने शुरू में समझा था, मैंने इसको यहाँ पर क्लास और एरे के साथ किस प्रकार यूज में लिया जाता। देखो यहाँ पर मैंने एरे यूज किया है, तो ये किस प्रकार यूज किया जाता, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन ज्यादातर इसका कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आप मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता, तो ये ध्यान रखना है आपको न्यू और डिलीट का। न्यू का किसके लिए किया जाता है, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और डिलीट का किस लिए किया जाता है, इस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए, यानी इसको वापस फ्री करने के लिए। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि जिस प्रकार से सी लैंग्वेज में न्यू का कॉन्सेप्ट, मतलब फ्री का कॉन्सेप्ट था, तो उसकी जगह यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट होता है C++ में, तो उसका कॉन्सेप्ट होता है डिलीट का। जिस प्रकार मेमोरी को फ्री कर किया जाता था सी लैंग्वेज में, यहां पर इससे किसको फ्री किया जाता है, यहां पर आपके डिलीट ऑपरेटर की मदद से यहां पर उसको जो है फ्री किया जाता है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था भाई, ठीक है ना, जिससे आपको काम आए आगे, अगर प्रोग्राम में इससे रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप इसका यूज ले सके। ठीक है, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें इसको। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। ध्यान रहे, आपके लिए 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल 2000 एमसीक्यू का वीडियो लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें चैनल के ऊपर। 10 के सब्सक्राइबर को पूरा करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।